2019 में लोकसभा चुनाव का ऐलान 10 मार्च को हुआ था। अगर इस बार भी इसी तारीख के आसपास चुनाव का ऐलान होता है तो 79 दिन रह गए। विपक्ष संसद में 146 सांसदों के निलंबन के बीच गठबंधन की चौथी बैठक कर चुका है और आज पहली बार सड़क तक आकर प्रदर्शन करने उतरा है। लेकिन क्या इतना ही काफी है? जबकि सामने नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी अगले महीने 160 सीटों पर उम्मीदवार तक का ऐलान कर सकती है और तब 400 सीट जीतने के दावे के आगे विपक्ष की डगर कठिन नहीं है। सीट तय करने को लेकर अभी तारीख खोजता विपक्ष एक तरफ और दूसरी तरफ बीजेपी जो जनवरी में 160 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। चेहरा कौन होगा को लेकर रस्सा कशी करता विपक्ष एक तरफ और नरेंद्र मोदी की गारंटी का प्रचार रथ लेकर घूमना बीजेपी शुरू कर चुकी है। इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन होगा को लेकर अभी नाक भौं सिकोड़ी जा रही है। बीजेपी अपने सांसदों के प्रदर्शन पर जनता से फीडबैक लेने लगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या चुनाव का एजेंडा क्या होगा इस पर विपक्ष एक राय बनाने में अभी जुटा ही है। तब बीजेपी घोषणा पत्र के लिए देश भर से सुझाव मांगने की तैयारी कर चुकी है। क्या यही वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी चुनाव में 400 सीट की बात अभी से करने लगी? निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 19 के विजय से 24 की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए दोनों की विजय बड़ी होगी, कमी होने का कोई सवाल नहीं। तब चार बैठकें चार शहरों के बंद हॉल में करने के बाद पहली बार सड़क पर उतरा विपक्ष का इंडिया गठबंधन ये बताने में पीछे नहीं होता कि सारे नेता उसके एक हो गए तो अब अकेले नरेंद्र मोदी को घेर सकते हैं। अकेला मोदी कुछ नहीं कर सकता और मोदी जी को इतना घमंड आया है, इलेक्शन से पहले ही कहते हैं कि 400 सीट जीतेंगे। तो क्या मतलब भाई, 400 सीट जीतने का क्या है तुम्हारे पास? इतने पॉपुलर तो नहीं है, क्योंकि मैं देखा हूं जब कर्नाटक में आए हर जगह फिरे, गली गली फिरे, हार के आए। तेलंगाना में गली गली फिरे, हार के आए। तीन राज्यों में हारी कांग्रेस 12 महीने के भीतर जिन तीन राज्यों में बीजेपी की हार गिनाकर सोचती है कि नरेंद्र मोदी को रोक सकते हैं, वो संभव कैसे है जब तक कि इंडिया गठबंधन सीटों पर एक राय नहीं बना लेता। हालत ये कि लोकसभा की 142 सीट ऐसी है जहां इंडिया गठबंधन में शामिल दलों में पहले से समझौता चल रहा है। महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, पुडुचेरी यानी पांच राज्यों की 26% सीटों पर पहले से कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन है। 132 सीट ऐसी जहां कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं होगी, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, अरुणाचल की। ये देश की 24% सीटें जहां सीधे बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से है, कोई क्षेत्रीय दल बीच में नहीं, इसलिए सीट शेयरिंग में दिक्कत इंडिया गठबंधन में नहीं आएगी। लेकिन 205 सीटें ऐसी हैं जहां इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग चुनौती है। ये राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और हरियाणा। 33 सीट पंजाब और केरल की ऐसी जहां इंडिया गठबंधन के लिए 100% एकता होना अभी संदेह के घेरे में है। और 31 सीट ऐसी है दिल्ली, असम, त्रिपुरा, मेघालय, जम्मू कश्मीर की जहां 100% गठबंधन के चांस बन सकते हैं। सवाल यही कि जो इंडिया 146 सांसदों के निलंबन पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन से ताकत दिखाता है, इसी ताकत के साथ जल्द से जल्द सीट समझौता कर पाएगा? चुनौती इसलिए है क्योंकि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कहते हैं कि 8 सीट चाहती है और ममता कह चुकी है कि कांग्रेस को 2 सीट जीती। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं। बिहार में नीतीश लालू दोनों कहते हैं कि जल्द सीटों का ऐलान हो वरना नुकसान होगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बीएसपी से पर्दे के पीछे की बातों की अटकलों पर अखिलेश सीधे सफाई मांग चुके हैं। महाराष्ट्र में उद्धव गुट अभी से 48 में से 23 सीट पर अपनी दावेदारी जता रहा है, तो शरद पवार गुट कहता है कि दरार लाने वाली बात ना हो। हम 23 सीटें लड़ेंगे, हम 23 सीटें इसलिए लड़ेंगे कि हम हमेशा इतने सालों से महाराष्ट्र में हमारा 23 का आंकड़ा है,
और हम 23 सीटें जरूर लड़ेंगे। हर एक पार्टी ने ये ध्यान में रखना चाहिए कि भाई हमें लोकसभा का चुनाव जीतना है और इससे हमने कितनी सीटें लड़ी है गए चुनाव में, इससे हमें जीतना है, ये ध्यान में रखना चाहिए। और इस गठबंधन में कभी भी मुझे लगता है दरारें नहीं आनी चाहिए। ऐसी रस्साकशी के बीच एक एक घटता दिन चुनौती है, क्योंकि मुकाबला जिस बीजेपी से है वो हैट्रिक लगाने के लिए रणनीति बनाने में आगे है। 3 राज्यों में मिली जीत के बाद दिल्ली में बीजेपी के पदाधिकारियों की 2 दिन का सम्मेलन शुरू हो चुका है। इससे पहले बनी रणनीति में सामने आया कि मध्य प्रदेश वाले टिकट बंटवारे फॉर्मूले को देश के चुनाव में भी लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कई चुनावों से मिलती हार वाली सीटों पर चुनाव से 100 दिन पहले ही उम्मीदवारों का ऐलान हुआ था। मध्य प्रदेश में सबसे पहले जिन 39 सीटों पर कैंडिडेट बीजेपी ने उतारे, उन चुनौती वाली सीटों पर बीजेपी ने 27 सीटों पर जीत हासिल की, यानी 67% से ज्यादा की सफलता। खबर है कि इसी रणनीति के साथ पिछले 2 लोकसभा चुनाव से जिन सीटों पर हार मिली है, ऐसी 160 सीटें चुनकर उन पर कैंडिडेट का ऐलान जनवरी में ही बीजेपी कर देगी। एनडीए को देश ने लगभग 38% वोट दिए थे 2014 में, लेकिन 2019 में हमारे देश सेवा भाव को देखते हुए देश ने हमें 45% वोट दिए। और आपको जानकर के खुशी होगी, इनमें 225 से अधिक सीटें ऐसी थी जो हम जीत करके आए, 225 से अधिक सीटें जहां 50% से अधिक वोट शेयर एनडीए को मिला है। एनडीए का हर सहयोगी जो मेहनत कर रहा है उसे तय है कि 24 में एनडीए का वोट शेयर 50% से भी ऊपर जाएगा। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, मैं विश्वास से कहता हूँ। बीजेपी के 50% के पार जाने की तैयारियों के बीच जंतर मंतर पर 146 सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठाए राहुल देश की 60% जनता को अपने साथ बताते हैं। ये जो 150 लोग हैं, किसी ने अपने भाषण में पहले बोला, ये सिर्फ व्यक्ति नहीं है, ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज है। हर एमपी लाखों वोट लेके आता है। आपने सिर्फ 150 लोगों का अपमान नहीं किया, आपने हिंदुस्तान की 60% जनता का मुंह बंद किया है। उपराष्ट्रपति जी का अपमान हुआ, पद का अपमान हुआ, लेकिन जिस बैकग्राउंड से आते हैं, कांग्रेस पार्टी का ये सोच है कि शासन करना हमारा अधिकार है। उपराष्ट्रपति भी हम जिसको नॉमिनेट करें वो बने, राष्ट्रपति भी हम जिसको नॉमिनेट करें वो बने। ध्यान रहे, इंडिया गठबंधन के पास रणनीतियां फाइनल करने का बैकलॉग बढ़ रहा है। यहाँ नरेंद्र मोदी हर राज्य में 2 से 3 दिन का दौरा करते हुए विकास योजनाओं का लाल फीता काटने में तेजी लाने वाले हैं। 2 हाथ आगे चलती बीजेपी से 2-2 हाथ करने के लिए विपक्ष के पास वक्त कम, चुनौतियां ज्यादा। एक तरफ संसद में सुरक्षा पर सेंध करते आरोपियों के साथ बेरोजगारी का मुद्दा राहुल गांधी छेड़ते हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष की तरफ से राज्यसभा के सभापति की नकल उतारने वाले वीडियो पर अपमान का सवाल उठाते हैं। इन दोनों के बीच जनता तक किसका संदेश पहुंचेगा, किसकी डगर कठिन होगी? पार्लियामेंट हाउस में 2-3 युवा जंप करके अंदर आ गए, थोड़ा धुआं फैलाया, बीजेपी के सांसद सब भाग लिए, जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं हवा निकल गई उनकी। मीडिया कहती है कि पार्लियामेंट के बाहर सांसद लोग बैठे थे, वहां पे राहुल गांधी ने वीडियो ले लिया। मतलब इन्होंने ये नहीं कहा कि 150 सांसदों को बाहर कर दिया
पार्लियामेंट के बाहर खड़ा कर दिया, ये सवाल मीडिया ने नहीं पूछा। जब देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आमूलचूल परिवर्तन लाने वाले तीन कानूनों पर बहस हो रही थी संसद के अंदर, विपक्ष के सदस्य संसद के बाहर महामहिम उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने का काम कर रहे थे। इससे ज्यादा निंदनीय काम कोई और हो नहीं सकता। और कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी के प्रमुख नेता इसकी वीडियोग्राफी कर मखौल उड़ा रहे, इस देश में कभी भी ढेर सारी सरकारें आई और गई परंतु संवैधानिक पदों की मर्यादा को हमेशा बनाए रखा गया।